तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है आज, हमारे यहाँ हवा चल रही है बहुत तेज़ तेज़ वाली ठंड हो रही है। और अभी मैं बैठी हूँ, देखो टोपा भी लग रहा है। और मैं कहीं गई थी, कहीं क्या मैं आपको बताती हूँ, मैं गई थी एक माता रानी का हमारे यहाँ मंदिर है तो दूर, तो है तो दूर पर ना हमारे घर से 3-4 घंटे का रास्ता है, पर हम गए थे। और मैं आपको बता देती हूँ कि माता रानी बहुत सच्ची, बहुत अच्छी, बहुत मतलब कि हर किसी की मनोकामना पूरी करती हैं। तो आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें माता रानी, मैं यही कृपया करूँगी। तो हम लोग गए थे वहाँ दर्शन करने के लिए, वो काली माँ का मंदिर है। और मैं आपको बता देती हूँ कि वो ना निकली हुई देवी हैं, प्रकट हुई, मतलब कि बहुत पुराना मंदिर है। और मैं तो सुनती आ रही हूँ उनके बारे में, तो मैं अभी थोड़ा सा आपको बताती हूँ, फिर मैं आपको उनके दर्शन भी कराऊंगी। और मैंने मतलब बताते हैं सभी, जैसे मेरी मम्मी वगैरह, दादी वगैरह थी ना, उनके ज़माने का, मतलब कि दादी से भी पहले पता नहीं, और उनके मतलब मुँह से मैं सुनती आ रही हूँ कि वो बताती हैं कि ये काली माँ का जो मंदिर है, ये माता रानी प्रकट हुई थी अपने आप धरती में से, और खेत था तो खेतों में ही वो निकली हुई हैं। तो एक ना दूध वाला जाता था, तो माता रानी उसका दूध बिखेर देती थी, मतलब फैला देती थी। तो फिर उन्हें सपना भी आता था रात को कि मुझे यहाँ से निकालो, मैं यहाँ हूँ। तो वो दूध वाला ना ध्यान नहीं देता था, फिर वो दूसरे दिन 2-3 दिन उसके साथ ऐसा ही किया। तो उसने फिर गांव वालों से बोला कि मेरे साथ ऐसा होता है, एक बार यहाँ चलो देखते हैं क्या है। तो जैसे ही गांव वाले गए और उन्होंने वहाँ खोदना स्टार्ट किया, तो एक हाथ ही खोदा होगा, तो फिर वहाँ से वो देवी माँ निकल आई। तो वो काली माँ है, काली माँ का ही वो उनका रूप है, और जब से उनका नाम कंकाली मैया रखा गया है। वो मैं बताती हूँ, उनका मंदिर अलीगढ़, अगर आपने सुना होगा, अलीगढ़ यूपी में हाथरस है, हाथरस के पास में ही उनका मंदिर है, कंकाली के नाम से ही उनका मंदिर है, जो कि बहुत सच्ची है और सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं पूरी की हैं, और माता रानी मेरी मनोकामनाएं पूरी करें और आप सबकी भी मनोकामनाएं पूरी करें। तो मैं आज वहीं जा रही हूँ, तो सोचा चलो मैं आप सबसे शेयर करती हूँ, आप सबकी मनोकामनाएं भी पूरी हो और आप सब भी दर्शन करें कंकाली माँ के सच्चे दिल से। कहते हैं ना, मांगो तो सब कुछ मिलता है, तो वो ही है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ, चलिए आप सब भी मेरे साथ। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और चलो चलते हैं, फुल वॉच करना वीडियो को, तो चलो चलते हैं अभी। तो अभी हम निकल चुके हैं, सुबह मॉर्निंग का टाइम था। तो ये ना बीच में यमुना मैया पड़ती हैं, तो वहाँ हम थोड़ा पूजा का जो सामान होता है ना, वही यहाँ सरा रहे हैं। तो हम लोग बैठे हैं गाड़ी में और ये यहाँ पर वही सामान को सरा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं आगे। और देखिए, सुबह इतनी ठंड थी, बहुत ज़्यादा कोहरा इतना नहीं था पर धूप भी नहीं थी, और एकदम ठंडा हो रहा था मौसम बहुत ज़्यादा, और हल्की हल्की बूंदें भी आ रही थी। तो अभी हम निकल चुके हैं आगे की तरफ, और दे देखो धुंधला धुंधला सा आपको दिख रहा होगा, तो धुंधला तो थोड़ा कम ही था, पर हाँ बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और ठंडा था मौसम एकदम, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी बाहर। तो यहाँ और देखो इधर की साइड ना, यूपी की साइड सरसों बहुत ज़्यादा हो रही है, मैंने देखा था, मैंने कहा इधर तो बहुत ज़्यादा सरसों हो रही हैं। तो देखो खेतों में ना ज़्यादातर सरसों ही हो रही है। और यहाँ हम चलते हैं, तो जोर से बोलो जय माता दी। और अभी हम चलते हैं। Let's go.
डैडी है पीछे। तो गाइस अभी हम आए हैं यहाँ कंकाली मंदिर, काली माँ के मंदिर। तो देखिए हम सब आए हुए हैं, बच्चे भी आए हैं। तो अभी मंदिर हम पहुँच गए हैं पर अभी दर्शन नहीं करे और बहुत ठंड हो रही है। हाँ तो बहुत ठंड हो रही है यहाँ पर, तो बहुत ठंड लग रही है। गाड़ी खड़ी हुई है अभी और अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए। आप सब भी चलिए। तो अभी यहाँ पर हमने पूजा का जो सामान है हमने ले लिया है, थाली माता रानी के नाम की। और अभी हम चलते हैं मंदिर की तरफ। तो यहाँ अभी प्रसाद वगैरह हम ले रहे थे तो ये ले लिया है। तो ये देखिए यहाँ पर थाली हमने ले ली है और ये मेरी ननद और ये विराज सुजल को हम सभी आए हुए हैं। तो अभी हम चलते हैं मंदिर के लिए। तो अभी हम चलते हैं मंदिर अंदर, बच्चे आ रहे हैं पीछे थाली में। अभी तुम्हें दिखाती तो बोलो सच्चे दरबार की जय। तो माता रानी ये देखिए हम आ गए मंदिर। और हम ना संडे को आए थे तो यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं मिली थी, वरना मंडे को यहाँ मेला लगता है। हर मंडे को यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा। पर हम संडे को आए थे, लॉकडाउन भी था शायद, तो मुझे पता नहीं है था कि नहीं, पर हाँ यहाँ सारा बंद था और मंदिर में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो यहाँ अभी हम कर रहे हैं दर्शन पूजा वगैरह करने के बाद। थोड़ा दूर से पीछे तक पीछे तो अभी हमने पूजा कर ली थी और हम अभी बैठ गए थे तो यहाँ थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ बैठे हुए थे। और ये यहाँ कुहू ने फ़ोन ले लिया था तो वो यहाँ अपना फ़ोन लेके और घूम रही है इधर उधर। और विराज को देखो फुल एंजॉय कर रहा है यहाँ पर घूम घूम के। तो अभी हम घर के लिए निकल चुके हैं और यहाँ बच्चे जूते वगैरह पहन रहे हैं, सॉक्स वगैरह अपने। और उसके बाद फिर हम निकलेंगे घर के लिए। तो जैसे ही हम निकलने वाले थे ना तो देखा कि गाड़ी में हमारी में पंचर हो गया, तो फिर थोड़ी दिक्कत सी हो गई। फिर हम यहाँ थोड़ी देर रुके और फिर इन्होंने मैकेनिक को बुलाया और फिर गाड़ी का जो टायर था वो चेंज करवाया। तो यहाँ ये गाड़ी का ये टायर चेंज हो रहा है और हर मतलब कि ध्यान रखना पड़ता है, कहीं बाहर जाते हैं तो टायर हमारी गाड़ी में रखा हुआ था दूसरा, तो वही यहाँ फिर लगवा लिया। और अभी हम निकलते हैं फिर घर के लिए। तो बहुत टाइम हो गया, पूरा दिन हो गया था, तो सुबह के निकले थे और रात को घर पहुँचे थे हम। तो फिर अभी यहाँ जब तक वो टायर वगैरह सही कर रहे थे ना तो हम फिर यहाँ आग जल रही थी तो हम यहीं पर अपने हाथ वगैरह सेकने लगे और भैया ने आग वगैरह जलाई थी। तो यहीं क्योंकि बहुत ठंड हो रही थी, धूप भी नहीं निकल रही थी और हवा चल रही थी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से तो फिर हमने यहीं बैठ गए थोड़ी देर के लिए।
बच्चे साथ में थे। और देखो यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है, क्योंकि मंडे को मेला लगता है ना, तो मंडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मंडे को तो थोड़ी जगह भी नहीं मिलती, पर हम संडे को गए थे तो इस वजह से बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और बच्चों को देखो, दुकान देख गई तो चीज़ की, तो इनको चीज़ चाहिए खाने के लिए कुछ ना कुछ, तो वही मैं चिप्स वगैरह यहाँ दिला रही थी। और यहाँ देखो आँच जला दी है, और कितनी तेज़ आँच जल रही थी, एकदम मज़ा आ गया। हाथ एकदम ठंडे हो गए थे बर्फ़ से। तो यहीं थोड़ी देर फिर हमने यहाँ आराम किया और थोड़ा टहले, क्योंकि गाड़ी तो में अभी बैठे गाड़ी बैठे आ भी। गई है और अभी चलते हैं घर के लिए। बहुत टाइम हो गया, आई नींद पूरी नहीं क्योंकि जल्दी उठे थे सुबह, तो आंखें भी सूजी सूजी सी हो रही हैं। चेहरा विराज इधर आओ, इधर इधर आओ। बच्चे चल रहे हैं हम, और इधर हम, तो अभी चलते हैं। तो अभी हम बैठे हैं और बच्चों को भूख लग रही थी, तो फिर हमने कहा चलो पहले खाना वगैरह खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के लिए चलेंगे। तो अभी यहाँ खाना लग चुका है, तो बच्चे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, पूरा दिन हो गया था, तो इस वजह से खाने का भी टाइम हो गया था। तो फिर हम लोगों ने पहले खाना खाया, फिर उसके बाद हम घर के लिए निकले। खाना वाना हो गया है, अभी बनाएंगे, अभी पियेंगे चाय बनाएंगे, अभी पियेंगे चाय। देखो यहाँ कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है मौसम, है ना? बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो अभी चाय पी के फिर निकलते हैं घर के लिए। तो अभी चलते हैं घर, मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। और आज के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। और विराज यहाँ सो गया है, तो अभी चलते हैं।